का झोरा लेके मतलब पूरा का पूरा भिड़ गए हैं ये लोग। ये देखो भाई साहब, और उसी खिड़की से कविता शाहजहां देखता होगा अपने इस प्यार की निशानी को बनाए हुए ताजमहल को। दोस्तों क्या हालचाल आप सभी का, मेरा नाम अजीत सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत दर्शन यात्रा में। और भाई साहब मैं बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि ये हमारा भारत दर्शन यात्रा के सबसे लास्ट ब्लॉग है। जी हाँ, इसके बाद भारत दर्शन यात्रा का कोई सा ब्लॉग नहीं आएगा, इसके बाद केवल आप सभी की ट्रेन जर्नी और काफ़ी सारी जर्नीज आएंगी। क्योंकि भाई आप सभी ये मैप बगल में देख सकते हैं, पूरा हमने जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी चालू किया था और अपने देश के पूरे कोस्टल एरिया को घूमते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेर शरीफ, जहाँ पर आप सभी को पिछले ब्लॉग में दर्शन भी कराया था। और अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि अब लास्ट हो गया, राजस्थान ख़त्म करके दिल्ली गए थे, वापस अब हम लोग अपने आप घर जाएंगे और पूरा भारत का एक गोल चक्कर है हमने मार लिया। वैसे हम घर जाने के लिए जो ट्रेन यूज करेंगे वो करेंगे भाई साहब अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं। और ये लगी पड़ी है अपनी ट्रेन नंबर 12988 यानी अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे तो ये दो नंबर पर लगी पड़ी है। और बात करें अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की तो भाई ये ट्रेन यहाँ पे 12:45 पर निकलेगी और ठीक यानी अगले दिन आप सभी को लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप सभी को छोड़ देगी भाई साहब सियालदा यानी कोलकाता। जी हाँ, और इस ट्रेन का भाई इतना डिमांड है कि पूरा टिकट हमेशा फुल रहता है, क्योंकि अजमेर से कोलकाता का लोग बहुत ज़्यादा दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। वैसे अपनी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है जनरल क्लास में, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। और इतना गर्मी में जनरल क्लास में जर्नी कैसा होगा वो देख लीजिए। और जनरल क्लास का हालत है ये देखिए भाई, ऐसा है अपनी ट्रेन का इस जनरल क्लास का कंडीशन, जो कि पूरा का पूरा पैक है। यहीं से पैक होने का भी कारण है कि इसमें लोकल लोग कुछ ज़्यादा ही चलते हैं। वैसे अगर बात करें तो भाई ट्रेन अपनी निकल चुकी है, देख सकते हो अजमेर से, और एक खूबसूरत पहाड़ियों का जो मज़े लेने आए थे और दर्शन करने आए थे वो लोग जा रहे हैं भाई। और इस भीड़ में कैसे सफ़र होने वाला है, क्योंकि गर्मी करीबन फ़िलहाल में 45 डिग्री के आसपास है। मतलब जितने भी इंडिया टूर किया उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं गर्मी मिला तो इसी राजस्थान में, पत्थर गिर रहे हैं। बाकी वैसे ये इंडिया टूर का सबसे लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद भाई आप सभी ने करीबन 30-40 दिन जो साथ दिया मेरा उसके लिए धन्यवाद। बाकी ये ऐसे ऐसे नमूने मिलते रहते हैं मेरे को ट्रेन में, समझ जाओ। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और ये मेरे सभी भाई लोगों के साथ जर्नी अच्छा ही कटेगा। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है, देख सकते हो भाई किशनगढ़। और स्टेशन देखो भाई क्या साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, लेकिन एक ही है कि जिधर जा रहे हो केवल तपन ही तपन। वैसे ये दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरे के पूरे 100 ट्रेनें आके रुकती है, ना एक ज़्यादा ना एक कम, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़ने वाले हैं। और ऐसे जहाँ पर भी स्टेशन पर भी रुकेगी इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़ने वाले होते हैं। वैसे अगर बात करूँ इसे किशनगढ़ की तो भाई साहब ये जाना जाता है मार्बल सिटी के नाम से, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी मतलब हलचल दुकानें हैं, मार्केट बहुत सारी अपने यहाँ पे मार्केट के हलचल बाज़ार हैं जिसके कारण ये जाना जाता है। और साथ साथ में भाई साहब यहाँ पे 9 ग्रहों का मंदिर है, शायद ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से एक है यहाँ पे। बाकी ट्रेन भाई बार बार हॉर्न दे रहा है कि चलो चलो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा मैं। और निकल चुकी है भाई किशनगढ़ से, और यहाँ से निकलते ही आप सभी को समोसे की सर्विंग होना चालू हो जाएगा। मतलब अभी फ़िलहाल में आपको केवल समोसे मिलेगा और सूखी सूखी बिरयानी है वो भी वेज बिरयानी सर्व करें। बाकी खाना वाना का ऑर्डर नहीं लिया, क्योंकि ट्रेन ही खुली है लंच के टाइम पर, तो भाई अपना लंच करके आना इसमें। अपनी पहुंच चुके भाई पिंक शहर यानी गुलाबी शहर जयपुर में, और भाई जयपुर में आते ही अपने इस ट्रेन का लीला देखो भाई साहब, भीड़ तो ऐसे आ रहा है जैसे कहीं भंडारा चल रहा हो। ये देख रहे हो बोरा झोरा लेके मतलब पूरा का पूरा
भीड़ गए हैं ये लोग। वैसे अगर बात करूँ तो भाई उतरने वाले को उतरने पहले नहीं दिया और मेरे को भाई स्टेशन की तरफ घुसने तक नहीं दे रहे थे कि मैं जब स्टेशन के अंदर घुस रहा था तो मैं आप सभी को कुछ दिखा पाऊँ। भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ट्रेन में चढ़ना और उतरना दोनों ही बड़ा मुश्किल होने वाला है। वैसे अगर बात करूँ इसे गुलाबी शहर की तो भाई सभी जो जयपुर जंक्शन है ये पूरे का पूरे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 170 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं। और भाई मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि भीड़ कितना है, ये देख रहे हो भाई साहब, जितने भी ये लोग दिख रहे हैं ना अधिक से अधिक आपको लंबा दूरी यानी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। ये देखो पूरा का पूरा भीड़ ऐसे कि कुछ अब कहो ही नहीं। अब ये देखो भाई ये देखो भाई साहब, ये भाई लड़की हो औरत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको खिड़की दरवाजे से घुसा दे रहा। वैसे आप जानते ही हो घूमने फिरने की खूबसूरत जगह, हवा महल, बाकी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा, आप बस आइए और मजा लीजिए। अब बताइए ये भैया कहाँ जाएंगे इसमें, ऐसा ऐसा सिचुएशन बना पड़ा भाई, ट्रेन का कुछ कहने लायक नहीं। भीड़ से निपटने के लिए भाई जब खाने पीने की जरूरत है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, तो बाकी हमने ये पनीर भुजिया ले लिया है किसी से शायद कुछ एनर्जी आ जाए, किस भीड़ से मैं निपट पाऊँ। लेकिन देखिए RPF वालों को घूमना पड़ रहा है हर पूरे स्टेशन पे कि भाई लोग सुरक्षित और मस्त रहें, लेकिन इस भीड़ में भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। और भाई साहब ट्रेन अपनी निकल चुकी है अपने इसे माया नगरी यानी गुलाबी शहर से, और भाई जो छोड़ने आए थे वो छोड़ के जा रहे हैं और जो पकड़ने आए थे वो ट्रेन पकड़ के। और भाई इस ट्रेन में एक दो स्टेशन जाना हालत ख़राब हो जा रहा है, लोग इसमें पूरे का पूरे बिहार तक जाएंगे और कैसे स्ट्रगल में जाने वाले भाई कोई पता नहीं। ये राजस्थान की गर्मी भाई, ये क्या कर रहा है यार, स्पाइडरमैन मत बन भाई, कहीं तू भी चले जाओ और तेरे साथ मेरे को भी जाना पड़े। वैसे अगर बात करूँ तो भाई ये ट्रेन एक लंबी लंबी दूरी स्टेशन पर रुकती है लेकिन बीच में लोकल पैसेंजर भी हैं जो कि आगरा उतरेंगे, भरतपुर उतरेंगे, तो उस कारण भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मतलब अगर कानपुर तक पहुँचती है तो इस ट्रेन में थोड़ा बहुत कुछ भीड़ खाली होता है। बाकी अभी इस भीड़ के साथ एंजॉय लीजिए, हालत तो अपनी कटी ही पड़ी है, देख रहे हो भाई। जिया आपके अंदर हमेशा घुसवाती हूँ भाई, हाँ मैं आपके संग में या कोई पानी के अंदर या कोई पसीने के अंदर पानी निकाल। वाह भाई असली है चीज है, गोटा चांदी का माला लो भैया 10 रुपये। ₹10 ट्रेन में ये सोने का चैन भी मिलता है 10 रुपये का, किसी को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है भाई। 10 रुपये में आप क्या संसार का हाथी घोड़ा लोगे, बढ़िया ले भाई रख लो और गिफ्ट दे देना। आ गया जी भाई साहब, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भाई यहां तक आने आने में गर्मी के कारण हाल खराब क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो चुकी है। वैसे भाई साहब 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहां पे 170 ट्रेन आकर रुकती है और 2 मिनट का टाइम था, आप सभी से बातें तक नहीं कर पा रहा हूँ इन सभी रेलवे स्टेशन पे। बाकी वैसे भाई ये जो भरतपुर अपने जाना जाता है पक्षी उद्यान के लिए, जहां पे अच्छा अच्छा घर है पंछी प्रेमी है तो वो आप सभी यहां पे आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। बाकी ये राजस्थान में पड़ता है और इसके बाद हम लोग अब चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, मतलब अगला स्टेशन जो भी आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश में। भाई निकल चुका भरतपुर से और भरतपुर में इस ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे हैं। बाकी खाने पीने का भाई ये भरतपुर जंक्शन, वैसे इस ट्रेन में समोसे कला भाई एक चीज़ बेचने आया था वो है चाउमीन, और अगर अगर आगरा तक चाउमीन फिर से लेके आए तो आप सभी को खा के जरूर दिखाऊं क्योंकि आगरा में शायद बैठने का सीट मिल जाएगा अपने को। आगरा फोर्ट, चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन यानी आगरा में, और आप सभी को उत्तर प्रदेश में स्वागत है। ये आगरा किला रेलवे स्टेशन है क्योंकि देखो बगल में ये आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, भले आगरा फोर्ट है बगल में ही, जो आप सभी अगर आते हो तो इसे यहाँ पे घूमना जरूरी है नेसेसरी। अगर आप सभी को ताजमहल जाना है तो आप सभी के लिए सबसे पास में रहेगा आगरा फोर्ट ही रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट जाओगे तो वहाँ से ऑटो पकड़ के वापस से ताजमहल की तरफ आना पड़ता है। यहाँ पे बढ़िया है 10 रुपये 5 रुपये लगता है, आप सभी को आगरा का किला छोड़ देगा देखने के लिए, और आगरा फोर्ट है
चलिए एक बार पेठा का मैं रेट बता देता हूँ और दिखा देता हूँ आप सभी को, क्योंकि आगरा का पेठा भाई नहीं खाया था अभी जिंदगी में, किए क्या। बाकी भाई पेठा उठा मिल जाएगा, कितने कितने का भैया पेठा पेठा है? 130, 90, 90, 90, 100। बाकी ये सब अलग अलग फ्लेवर का रीजनेबल रेट में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सभी पेठा जरूर ले लेना, क्योंकि शहर में जाओगे तो वही रेट मिलेगा और यहाँ भी वही मिलेगा, लेकिन बस यही फर्क है कि चीनी का थोड़ा बहुत अंतर आएगा। बाकी ट्रेन अच्छा खासा 5 मिनट रुकी, निकलने ही वाली है। अरे चाचा तो गोद में मत बैठो, अरे और कहीं देख लो, थोड़ा थोड़ा हटी जाइए, बैठा लीजिए क्या कीजिए। और भाई निकल चुका है अपने इस सफर के लिए जो कि बहुत ही दर्दनाक हो रहा है। बाकी वैसे अगर बात करें तो भाई इसे आगरा पोर्ट से निकल चुका है, यही देखिए यही फोर्ट है, अगर घूमने फिरने आना तो कभी आ जाइएगा। और भाई साहब देख सकते हैं यहाँ से ताजमहल भी दिखता है पूरे सामने, और यहाँ पे इस पुल के ऊपर मोबाइल कैमरा बचा के वरना ताजमहल के अंदर घुसा देते लोग। ताजमहल और जमुना जी, और उसी खिड़की से कविता शाहजहाँ देखता होगा अपने इस प्यार की निशानी को बनाए हुए ताजमहल को। हाँ उतरना है भाई, तो चलिए जी भाई साहब ट्रेन अपनी भाई आपने देखा कि पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ पे लाइट कितना अच्छा है, पूरा का पूरा उजाला उजाला ही कर दिया। वैसे ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरे का पूरे 110 ट्रेनें आकर रुक जाती है, और आ चुके हम लोग नॉर्थ सेंट्रल रीजन के प्रयागराज डिवीजन में। और भाई ये ट्रेन से उम्मीद नहीं थी कि अपने टाइम से भी करीबन 5 मिनट पहले ला चुकेगा, बाकी 5 मिनट पहले लाया। और यहाँ पे अब खाना बिकना चालू हुआ है, आप सभी को खाने में बिरयानी और बाकी सारी चीज़ें ट्रेन में मिलेगी, लेकिन अब इस रूट के गुजरने वाले हर एक स्टेशन पे आप सभी को खाना पीना मिलता ही है। बाकी 5 मिनट पहले था, 10 मिनट रुकेगा, तो आप मज़े करते हैं। भाई ये रहा दुकान लगी पड़ी है जहाँ पे आप सभी को पराठा पूरी और चावल मिल रहा है, चावल और आलू की सब्जी। बाकी देख लीजिए भाई निकल चुका है टुल्ला से, वो राइस ले रहा था लेकिन ट्रेन ही खुल गया तो कैसे बताऊं। बाकी टेस्ट की बात कर तो लोग कह रहे थे अच्छा था, तो आप चाहो तो कभी 30 रुपये के हिसाब से मतलब क्या लोगे ले सकते हो कभी आलू की सब्जी के साथ राइस। बाकी यही है, अब कानपुर आएगा 300 किलोमीटर दूर, जब तक बैठे रहो इस गर्मी में ऐसे ऊपर में जो कि सभी लोग सोए हैं। बाकी बात करो इस कानपुर के तो भाई नीचे उतरूंगा, लेकिन ये उतना ऊंचा है कि भाई नीचे उतरो और ऊपर उतरो में जब तक तुम्हारा रात भर बैठने का सीट है गायब हो जाता है। जो कि भाई आज ऊपर सोने में ही ज़्यादा अच्छा है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह में जहाँ नींद खुलती है। तो चलिए जी भाई साहब गुड मॉर्निंग, सुबह के करीबन 6:40 हो रहे हैं और आपका भाई पहुँच चुका है सासाराम में, और देख सकते हैं पूरी की पूरी ट्रेन खाली दिख रही है। ये है स्लीपर क्लास जो कि ये भी खाली दिख रहा है। वैसे बात करो तो भाई अपनी जर्नी यहीं तक थी, देख रहे हो बोरिया बिस्तर लेके तैयार हो चुके हैं। बाकी अगर आप सभी कभी सासाराम में आते हो तो यहाँ शेर शाह का मकबरा देखना, और यहाँ के आसपास बहुत ही खूबसूरत हरियाली के साथ नज़ारे लेना ना भूलना। एक तुतला भवानी माता मंदिर है जहाँ पर एक झरना है, तो बिहार की खूबसूरती में झरना भी शामिल हो। वैसे ज़्यादा नहीं अपनी ट्रेन के और आधे घंटे लेट आई है। और बात करें भाई अपनी ट्रेन जर्नी की, तो आप सभी जानते थे कि अपना भारत यात्रा का लास्ट ब्लॉक था, अपना भारत यात्रा ख़त्म हो गया, अब आ चुके हैं बिहार में सासाराम में, और यहाँ से हम चले जाएंगे अपने घर आरा, इसीलिए हम यहाँ पर उतर गए। बाकी आप सभी ने 1 महीना 1.5 महीना जो भी है मेरा फुल सपोर्ट किया, फुल साथ दिया इस भारत यात्रा में, तो उसके लिए तहे दिल से मेरे और मेरे भाई के तरफ से धन्यवाद। ऐसे ही आगे साथ बनाते रहिए और मज़दार मज़दार आपके लिए जर्नी लाता रहूँगा। तो इजाज़त दीजिए घर में कुछ महीने के लिए रेस्ट जाने के लिए, मतलब कुछ महीने नहीं कुछ दिनों के लिए। बाकी इस जर्नी कहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट शहर में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।